सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज का जो हमें काम करना है वो है कि जो हमने पार्ट सेल लिया था इसको हमें थोड़ा सा पिंच करना है, क्योंकि ये 4 सेल लेयर का बना था, हमने इसको 2 लेयर कर लिया। मैं आपको दिखाऊंगा, ये यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये इसका हेड बनेगा, ये इसका सिर बनेगा। ओके, इसको हम फिर वो फिनिश भी करेंगे, और ये इसके यहाँ पे हम अटैच करेंगे। है ना, यहाँ पे देखते हैं, ये यहाँ पे भी लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने गिल्लू का थोड़ा सा सिर हम बनाएंगे। ठीक है, इसको यहाँ इसको यहाँ पे बैटरी अटैच किया। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे ताकि ये इसमें फिट हो जाए। यहाँ पे भी थोड़ा सा लगाएंगे, ठीक है, ताकि ये गिरे भी ना। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा, हाँ, यहाँ पे आप कोई और भी ग्लू इस्तेमाल, ग्लू के बगैर आप यहाँ पे एलपी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। ओके, हाँ, ये अभी वर्किंग में है। ठीक है, हाँ, ये जो है ये लूज़ है, यहाँ पे ये इतनी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस होती है तो रस्सी से गिरने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे ये। ओके, आप समझ गए, ये नहीं होना चाहिए, ये जो है ये वाइब्रेशंस ये नहीं होनी चाहिए, बाकी फंक्शन। ये अभी आपका सेकंड टेस्ट था, हाँ, ये अभी हम फाइनल भी करेंगे, इसमें स्विच भी लगाएंगे, ये अभी का अभी हम कर देंगे। सोल्डरिंग कनेक्शन सर, ये आप कंप्लीट हो गया सर? एक कनेक्शन करना है सोल्डरिंग का, बाकी इसमें हो गया कम्प्लीट। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। ये फाइनल वीडियो है हमारा, एक ये हम कैसे चल रहा है, आगे से भी पीछे से भी, इसमें वेट भी बहुत है, रस्सी थोड़ी बहुत हिल रही है, हो सकता है उसके कारण कुछ हो जाए, लेकिन चलो शुक्र अभी चल रहा है रोबोट, तो आगे थोड़ा रास्ता काम है। आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए, ताकि और आने वाले वीडियोस आप हमें, ओके, तो हम आने वाले को कुछ, कल हमारा जो वीडियो बनने वाला है वो है रोबोटिक्स कार, जिसमें हम दिखाएंगे असेंबलिंग उसका कैसे करते हैं। ठीक है, ये पूरी रेसिपी। ओके गाइस, फाइनली हमने अपना जो ये सिंपल सा प्रोडक्ट था, हमारा प्रोजेक्ट था, ये हमने कंप्लीट किया, क्लाइंबिंग रोबोट जो किसी भी रस्सी के ऊपर से चल सकता है, ये लोड भी उठा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, ईंट भी उठा सकता है, कुछ भी उठा सकता है, लेकिन उस टाइम हमें बैटरी की कैपेसिटी और मोटर की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, बाकी जो सारा मैकेनिज्म वो वही रहेगा। थैंक यू सो मच, आपने शेयर किया, हमारे वीडियोज़ को देखा, उसके लिए थैंक यू, और भी अपने फ्रेंड्स को, अपने स्टूडेंट्स को ये सिखाए किस तरीके से हम अपने रोबोट को डिज़ाइन कर पाएंगे। ये एक छोटी सी एप्लीकेशन थी हमारे रोबोट के लिए, और आने वाले वीडियो में हम कल या परसों दिखाएंगे, ये एक हमने ऑर्डर किया है, रोबोटिक कार भी कहा जाएगा, इसमें हम अलग अलग एप्लीकेशंस कर सकते हैं, लाइन फॉलोअर बना सकते हैं, शेडो फॉलोअर बना सकते हैं, इसमें हम ब्लूटूथ के जरिए इस कार को चला सकते हैं। टाइम बचाने के लिए हमने इस कार को अभी ऑर्डर किया है, कल हम इसकी रीओपनिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे, इसमें 4 मोटर है, 4 व्हील्स हैं और कुछ स्ट्रक्चर है, वो हम कल देखेंगे इसमें क्या क्या हो सकता है।
थैंक यू सो मच, आपने सपोर्ट किया, शेयर किया, और मेरी रिक्वेस्ट रहे कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आने वाले वीडियोज़ में जो नई नई टेक्नोलॉजी रोबोटिक्स के रिलेटेड, इनोवेशन के रिलेटेड हम आपको दिखाएंगे, उसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।